जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपको एक मैसेज दिखाना चाहूंगा, और अगर कोई पेरेंट्स और रिलेटिव्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आपसे तो माफी ही मांग सकते हैं, क्योंकि आज वीडियो के टारगेट में आप ही हो। ये मैसेज देखिए आप, 2022 का पास आउट बच्चा है, गेट की एक साल प्रिपरेशन करता है, गेट का एग्जाम एक्सपेक्टेड नहीं होता है, फ्रस्ट्रेट हो गया है। फ्रस्ट्रेशन का रीजन सेल्फ तो होता ही है भाई, सेल्फ गिल्ट तो होती है कि प्रिपरेशन किया नहीं हुआ, पर पेरेंट्स प्रेशर भी होगा और साथ साथ रिलेटिव्स, इसने स्पेशली रिलेटिव्स को मेंशन कर रखा है। और इस टाइप का मैसेज एजुकेटर को मिलना बहुत एबनॉर्मल नहीं है, सबको मिलता है, मुझे भी ढेर सारे मैसेज आते हैं, मैं भी पर्सनली रिप्लाई करता हूं, पर इस पे वीडियो बनाने का बस पर्पज ये है कि भाई यार ये 2022 का पास आउट बच्चा है, एक साल प्रिपरेशन किया है गेट एग्जाम की, और गेट ऐसे ही बहुत अनसर्टेन एग्जाम है, कभी आपकी प्रिपरेशन बहुत ठीक है एवरेज मार्क्स आ जाते हैं, कभी एवरेज प्रिपरेशन पे भी ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं, पर नहीं पूछ पूछ के कि आपका लड़का क्या कर रहा है, जान खा जाएंगे भाई। और हमारे देश के रिलेटिव तो ऐसे हैं ना, ये घर आए इनसे प्रणाम कर लो, अंकल प्रणाम कुछ लेंगे क्या, इनका जवाब होता नहीं बेटा पहले तुम्हारी लेंगे इसके बाद कुछ लेंगे। मतलब खुद के बेटे की खबर नहीं है पर आपकी खबर उनको ज्यादा चाहिए। और ये वही रिलेटिव है जब आप 10th 12th में थे तो पापा के कान में आके बोल के गए थे कि लड़के को इंजीनियरिंग करवाइए, मेरी बात मानिए, बहुत स्कोप है। मेरा बड़ा वाला लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था, अभी फाइनल ईयर में गए, मात्र 4 महीना हुआ है और कंपनी वाले टूट पड़े मेरे बेटे के ऊपर। अभी उसका पैकेज लगा है 16 लाख का, लवंडा साला 16,000 रुपए पर महीना कमा रहा है, पर हमारे देश में हर कंप्यूटर साइंस वालों की नौकरी 16 लाख से लेकर 20 लाख से कम पे लगी नहीं रही है। समझ भी नहीं आता भाई इनको कहां से पैकेज मिल रहा है। और गलती से किसी के लौंडे ने थोड़ा अच्छा कर लिया, तब तो उस बाप को लाइसेंस ही मिल जाता है कि भाई तुम जाओ एकदम फ्री हो, दूसरों की जिंदगी नरक बनाओ। और माताजी लोग, भाई माताजी लोगों को तो प्रणाम कर सकते हैं, इनका तो भाई अलग ही टोन रहता है। माताजी लोगों का चले ना, मतलब इनकी बात कभी सुनना आप एनालाइज करना, अरे आप बहन जी क्या कहें, मेरा लड़का तो जब पैदा हुआ था तो जैसे कृष्ण पैदा हुआ था, जेल टूटी थी ना, वैसे ही इसके पापा की फूटी किस्मत खुली थी। इसके पहले तो इसके पापा गधे जैसे मजदूरी करते थे पर कमाई अठन्नी नहीं होती थी, और जैसे ही इसके पैर घर में पड़े बस सारी कृपा वहीं रुकी हुई थी। मतलब भाई समझ में नहीं आता है कि ये लड़के की तारीफ कर रही है, लड़के के बाप को निकम्मा बता रही है। और अगर बच्चे का रिजल्ट पूछ लीजिए उनसे, और रिजल्ट अच्छा है उनके बेटे का, तब तो खटाक बोलेंगे 99% आया था उसका। और अगर रिजल्ट खराब है तो रिजल्ट बताने से पहले भूमिका बनाएंगे कि अरे बहन जी क्या बताएं। मतलब जितने भी पेरेंट्स मीटिंग में मैं जाती हूं ना, टीचर कहता माते आप धन्य हो, ये आपका लड़का होनहार है, इतना होनहार है कि हमारे स्कूल से ना पहला इंडिया टॉपर इस बार आने ही वाला है और वो आपका ही लड़का होगा, पर भगवान ने ही पैर पकड़ रखा है। बहन जी जिस दिन इसका पहला पेपर था ना, अचानक से बुखार आ गया इसको और 7-8 दिन लड़का यूं ही लेटा रहा और रोता रहा कि मम्मी पेपर देना था, बहुत तैयारी थी, अब बुखार में तो क्या ही लिख पाएगा, दिमाग ही नहीं काम करता था, कैसे तो पेपर दिया, अब परसेंटेज का तो क्या ही बताएं आपको। और ये हालत होती है हमारे रिलेटिव्स का, मतलब खुद के बेटे की केयर से ज्यादा इनको दूसरे के बेटों की लेनी होती है। और ये केवल एक पेरेंट्स का काम नहीं है भाई, सबके पेरेंट्स एक दूसरे पर लगे होते हैं। हमारे पेरेंट्स उनके बेटों के साथ ऐसा कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स बदला लेने के लिए हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, और ये उनकी कहानी अपने आप में ही चल रही है। और जो 90s के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स तो भाई माशाल्लाह ऐसे ही हैं, अभी थोड़ा थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ है धीरे धीरे, पर पिताजी लोगों में तो फिर भी कुछ सुधार हुआ है, पर माता जी लोग तो अभी भी मतलब अलग ही दुनिया में चलती हैं उनका। तो रिलेटिव सबके ही ऐसे होते हैं, आपके अकेले के नहीं है, तो इसकी टेंशन तो आप बिल्कुल लो ही मत, कोई किसी को नहीं लेना चाहिए। और ये सारा खेल बस टाइम का होता है, टाइम आपके साथ है तो लोग आपके कदमों में, टाइम आपके खिलाफ है तो आप लोगों के कदमों में, पर ये परमानेंट नहीं है, इसको
चेंज कर सकते हैं और वो केवल आप अकेले करोगे भाई, उसमें कोई आपका साथ नहीं देने वाला। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं, आपके फैसले को समझते हैं, कंपटीशन को समझते हैं, और उनकी बहुत गलती नहीं होती। मैं ऐसा नहीं मानता कि भाई पेरेंट्स हमारे दुश्मन हैं, या कुछ रिलेटिव्स भी वो हमारे बारे में सोचते हैं, कुछ रिलेटिव्स को अगर एक्सेप्शन में छोड़ दिया जाए तो, कोई भी हो ना, मतलब जब उम्मीद होती है किसी से और उम्मीद टूटती है तो थोड़ा दुख होता है। आपने इंजीनियरिंग किया, आपने मेडिकल किया, या आपने कोई और प्रोफेशनल कोर्स किया जहां पे एक हैवी अमाउंट फी पे किया गया है, या फिर फी नहीं भी पे किया गया है, मान लीजिए गुजरात जैसे कॉलेजों से किया है जहां पे कम फी है, तो भी आपसे एक उम्मीद तो होती है ना कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप मेडिकल कर रहे हो, आप पैरामेडिकल कर रहे हो, आप फार्मेसी कर रहे हो, उनको ऐसी उम्मीद होती है कि भाई जब लड़का ये करके बाहर निकलेगा तो उनका जो अभी का स्टेटस है उसमें सुधार होगा। और जब उनकी ये उम्मीद उनको टूटते हुए दिखती है ना, तो शायद वो आपको इतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं जितना आपको उम्मीद होती है कि वो करेंगे। तो उनका पर्सपेक्टिव उनके जगह पे ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये कंपटीशन नहीं देखा है। शायद हम में से बहुत कम के पेरेंट्स होंगे जिन्होंने कंपिटेटिव एग्जाम में इससे पहले बैठे होंगे, ठीक है, अगर बैठे हैं तब तो वो समझते हैं, तब वो परेशान भी नहीं करते, पर जब नहीं बैठे हैं तो उनको वो लेवल भी पता नहीं है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब होता है, ये सब चीजें उनको नहीं पता है, और ना ही आप समझा सकते हो क्योंकि उनका बैकग्राउंड वैसा नहीं है। तो आपको अपनी पूरी एनर्जी बस पढ़ने में लगानी है, दूसरे को समझाने में, दूसरे को अच्छा प्रूव करने में, दूसरे को ये बताने में कि आप अच्छा कर लोगे। इसमें कम खर्च करके केवल इसमें लगाइए कि आप कुछ अच्छा कर पाए। और एग्जाम में फेल होना नॉर्मल है, एक साल की तैयारी बहुत बड़ी तैयारी नहीं होती है, हो जाता है, कुछ लोगों का एक साल पे भी हो जाता है सिलेक्शन, कुछ लोगों का दो साल तीन साल भी लग सकता है। मैं पहले से कहता रहा हूं कि जब भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने का प्लान करें तो एटलीस्ट तीन अटेम्प्ट आपको डिसाइड करके आना चाहिए कि मैं एटलीस्ट जिस एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं उसका तीन अटेम्प्ट तो दूंगा, और ये तीन अटेम्प्ट दो से लेकर तीन साल के बीच के हो सकते हैं। कुछ एग्जाम ईयरली होते हैं, कुछ एग्जाम्स या उसी टाइप के एग्जाम ईयर में एक दो बार आ सकते हैं। तो एटलीस्ट आप प्लान करो कि दो साल तो मिनिमम मैं तैयारी करूंगा, तीन साल भी बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर थ्री ईयर तैयारी करके भी आपका कहीं पे अच्छी जगह पे होता है तो ये बेहतर ही है। तो इतना टाइम लगता ही लगता है, फर्स्ट ईयर में उन्हीं बच्चों का हो पाता है जो ग्रेजुएशन से ही सीरियस थे, उन्होंने पहले से ही प्लान कर लिया था, उनका डायरेक्शन सेट था किसी डायरेक्शन में जाना है, उनके पेरेंट्स की जो गाइडेंस थी वो बहुत ठीक थी, या कोई ऐसा टीचर मिल गया था जो शुरू से मोटिवेट कर रहा था उनको। तो कोई भी ऐसा गाइडिंग पर्सन जब उनको मिल जाता है तो उनका टाइम थोड़ा बच जाता है, क्योंकि वो जो उनका डाइवर्जन होता है ना वो कट जाता है। अगर आपको ऐसा गाइडेंस नहीं मिला है और अभी आप गाइडेड हो कि हाँ हमको इसी डायरेक्शन में जाना है, यही करना है, उस केस में तब से आप जोड़ लीजिए, तीन साल का प्लान बनाइए कि तीन साल तो मुझे बिना किसी से कुछ आर्ग्यू किए ये एग्जाम्स देने ही देने हैं और जम के प्रिपरेशन करने हैं। गारंटी लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात की भी मतलब रहती है पॉसिबिलिटी कि सिलेक्शन ना, क्योंकि सबका ना हो, तो ये तो पता चली जाएगा कि भाई इस चीज के लिए मैं नहीं बना हूं, शायद मेरी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं कि मैं चीजों को याद कर पाऊं, या फिर जो एक मेंटल कैपेबिलिटी चाहिए, या फिर जो स्ट्रेंथ चाहिए उतना घंटे बैठ के पढ़ने का, या वो कैपेबिलिटी जो चाहिए, वो एबिलिटी जो चाहिए, वो शायद मेरे अंदर नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो एटलीस्ट आप इधर से डाइवर्ट होके फिर दूसरे डायरेक्शन में जब आप करने जाओगे तो आपका पूरा माइंड पूरी एनर्जी उधर ही रहेगी, आपको कभी इस बात का रिग्रेट नहीं होता कि यार एक साल मेहनत कर लिया होता और ना तो सिलेक्शन हो जाता, इस बात का कभी रिग्रेट नहीं होगा। और जब वहां पे स्ट्रगल करना पड़ेगा ना तो आप उससे पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, फिर आप सोचोगे नहीं कि यार उसके कहने से इधर आ गया, नहीं तो मैं वहां पे अच्छी जॉब ले लेता, ये सब चीजें नहीं रहेगी। तो आप पूरा मोटिवेटेड होकर जो दूसरा काम कर रहे होगे उसमें पूरी एनर्जी लगाओगे। तो बस इतनी सी बात है, और आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि भाई फ्रस्ट्रेशन लाजमी है, इंसान है, दुख होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, उम्मीद के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आता है तो ऐसा लगता है कि हम इसके लिए नहीं बने हैं, हमसे नहीं हो पाएंगे, ये सारे थॉट्स कॉमन है, सबके अंदर आते हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से उठना है, एक दो दिन का गैप, दो चार दिन का गैप लेके फिर से प्लान करना है, शेड्यूल बनाना है, और फिर से अपने टारगेट पे लग जाना है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहना, बहुत फ्रस्ट्रेट रह के टाइम खराब कर लेना, उससे कुछ अल्टीमेटली अचीव नहीं होने वाला है, टाइम किलिंग होगी और कुछ नहीं होगा। तो फिर से टारगेट बनाइए,
फिर से रीशेड्यूलिंग करिए और फिर से लग जाइए। अगर नहीं लगना है एकदम से ही फ्रस्ट्रेट हो, नहीं भाई सरेंडर कर दिया है हमने, हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर कोई बात नहीं। अब जब कर ही दिया है तो फिर दूसरा कुछ देख लीजिए, दूसरे डायरेक्शन में लगिए। फिर बीच में ये थॉट नहीं आना चाहिए कि भाई इधर कर लिया होता तो अच्छा हो गया होता, क्योंकि दूसरे तरफ जहां आप जा रहे हो ना, वहां पे भी फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत और फेलियर तो वहां पे भी है, मेहनत वहां पे भी करना पड़ेगा, फेलियर वहां पे भी मिलेगी, सक्सेस कहीं पे भी आसानी से नहीं मिलती, ये बात ध्यान रखना है। तो स्ट्रगल करते रहना है। चलिए, जय हिंद।